दोस्तों ये इनका ट्रेन स्टेशन है, बहुत ही अग्रेसिव लोग हैं। ओ माय गॉड, टिकट लेना ऐसे था कि जैसे रैफल ड्रॉ में मेरा टिकट निकल रहा है या रैफल ड्रॉ में गाड़ी निकलने वाली मेरी। वेरी अग्रेसिव पीपल, वेरी अग्रेसिव, लड़ते हैं झगड़े। इवन आप लाइन में खड़े हो, पीछे से बंदा आएगा आपके आगे आगे खड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, उसको कॉन्फ्रंट करना, तो फिर वो नहीं आएगा। ऊंची ऊंची बोलते हैं, ऊंची ऊंची चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। और ये इनका बिग रामसे स्टेशन है। कल यहाँ से कायरो की अलेक्जेंड्रिया की फ्लाइट ली है, तो कम से कम अलेक्जेंड्रिया का भी जो टेस्ट है या जो फ्लेवर है वो देखेंगे कि कैसा रहता है। और बाकी आप देख सकते हैं ये इनका रेलवे स्टेशन है। जी फ्रेंड्स, ट्रेन की टिकट ले ली है और कायरो से अलेक्जेंड्रिया है, और आप लोग देख सकते हैं। जी गाइस, मैं पहुंच गया हूँ रामसेस और भाग रहा हूँ बिकॉज मेरा ट्रेन है 3 बजे की। तो अभी हम भाग रहे हैं कायरो से अलेक्जेंड्रिया की तरफ। कोच नंबर 4 है जो कि आप देख सकते हैं, और पीछे वो रहा हमारा डब्बा। इस कंट्री में मैंने देखा ट्रेन जिनकी बहुत अच्छी और टाइम पे चलती, तो बाकी आप देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन। जी फ्रेंड्स, अभी कायरो से ये चलेगी अलेक्जेंड्रिया की तरफ ट्रेन, और ट्रेन बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छी सीट्स हैं, वेरी कंफर्टेबल, और इट्स लाइक प्लेन। और बिजनेस क्लास में जैसी सीट होती हैं वैसे हैं। नीचे रूफ रैक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आपको ये जर्नी भी ज़रूर एक बार करनी चाहिए। चल पड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी सीट्स खाली हैं, पूरी फुल नहीं है। एक्चुअली हर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद चलती है। ट्रेन में बैठ रहा हूँ, आई थिंक आफ्टर एजेस। एक बार लाहौर से इस्लामाबाद गया था, वो भी आई थिंक 97 या 98 में, बहुत पुरानी बात है। तो अभी एज सच ट्रेन का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। शहर बहुत पुराना शहर है, और यकीन करिए अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो एहसास होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं इन लोगों से। और अभी भी बेशक हम लोग थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर अगर आप यहाँ आए तो फिर आपको यू नो यू फील गुड, यू नो आप बिल्डिंग्स देखें, आप बिल्डिंग्स का हॉल देखें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है बल्दिया का कि आप इसको मेंटेन करो या बिल्डिंग्स को टेक केयर करो। जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो रह रहा है, जो दिल कर रहा है वो लगा रहा है, जिसका दिल करता है रोड क्रॉस कर लेता है। मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियां एक साथ इकट्ठी अगर गुजर रही हैं, और मेन हाईवे से गुजर रही हैं, स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं, अगर गाड़ी ने उनको टक्कर नहीं मारी तो दे आर स्माइलिंग, एक्चुअली दे आर लाफिंग। हाँ, मतलब ये मैंने सिर्फ इसी कंट्री में देखा,
नेगेटिव नॉट गोना से, अच्छी चीज़ें भी होती हैं हर कंट्री की और नेगेटिव की। तो ये आपको इंडिया पाकिस्तान लग रहा होगा, जैसे पंजाब लग रहा है। ये दोस्तों देखिए आप साइड पे कैसे कैसे नज़ारे आपको दिख रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, फिर थोड़ी आबादी आई आगे जाकर फिर गांव शुरू हो गए। बहुत सारी फार्मिंग की हुई इन्होंने, बहुत सारे फार्म। मुझे तो ये गांव का ही ज़्यादा लग रहा है, मतलब डेजर्ट वाला सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप देखिए ये पाकिस्तान की तरह हमारे जैसे सिटी से थोड़ा बाहर जाए तो बहुत सारे आपको खेत फसलें लगी मिल जाती हैं। आई एम नॉट गुड इन इट इन दिस बॉटनी एंड ऑल, तो मुझे पता हो कि कौन सी फसल है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ आइडिया या नॉलेज है। बाकी आप देख सकते हैं कायरो से अलेक्जेंड्रिया जाना, ये ग्रीन है जो अलेक्जेंड्रिया है। शर्म अल शेख भी ग्रीन है, उतना ग्रीन नहीं है, सी साइड ज़्यादा है वहाँ पे। और ये बोल रहे हैं कि अलेक्जेंड्रिया ग्रीन है और बोलते हैं कि हमारा बेस्ट सिटी, बेस्ट सिटी है, देखते हैं कितना बेस्ट है। जी फ्रेंड्स, अभी अलेक्जेंड्रिया पहुंचने वाले हैं बस, और मेरे ख्याल 10 मिनट रह गए हैं अलेक्जेंड्रिया पहुंचने में। सो लेट्स रीच टू अलेक्जेंड्रिया। और ट्रेन फर्स्ट क्लास लग रही है, लग नहीं भी रही है। दिस इज वीआईपी एक्चुअली। जी फ्रेंड्स, दिस इज़ अलेक्जेंड्रिया, और ये उनकी गलियां देखें आप। ये पूरा अलेक्जेंड्रिया है, और बाकी दूसरा जो अलेक्जेंड्रिया की वीडियोस हैं वो आपको अगली वीडियोस में प्रॉपरली अलेक्जेंड्रिया सिटी टूर दूंगा।